भारतस्य गौरवाय राष्ट्र कल्याण हेतवे युवकानां विकासाय विवेकानन्दं नमाम्यहम्। स्वामीजी कहे छे कि भारते एक शक्तिशाળી राष्ट्र स्वरूपे विश्वना नक्शा पर स्थान મેળવવું હોય તો વિજ્ઞાન અને ઉદ્યોગ વગર પ્રગતિ શક્ય જ નથી। ટેકનિકલ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ઉદ્યોગોના ક્ષેત્રે વિકાસ કરી સમર્થ ભારતનું નિર્માણ કરવું જોઈએ। વિવેકથી વિકાસ। ગુજરાત ખૂબ ઝડપથી વિકસતું રાજ્ય છે। एटलू ज नहीं पण गुजरातनी विकास दौड़ना परिणामे गुजरात विश्वना विकास नक्शामां नवा सीमाचीनो प्रस्थापित करी चूक्युं छे। राज्यमां औद्योगिक विकास माटे गुजरात सरकारे सविशेष पगलां लीधा छे। गत वर्षे योजायेली वाइब्रंट समिटमां लगभग 21 लाख करोड़ना एमओयू थया छे अने आगामी 5 वर्षमां लगभग 30 लाख जेटली रोजगारीनुं निर्माण थशे। वर्ष 2003 दर 2 वर्षे वाइब्रंट समिटनुं आयोजन थाय छे। छेल्ली 5 वाइब्रंट समिटमां 12,000 थी वधु एमओयू थया। देश विदेशना उद्योग मानधा कॉर्पोरेट जगते गुजरात में मूड़ी रोकाण कर्युं छे। एटलुं ज नहीं विश्वना अनेक देशों पण गुजरात साथे वेपार करवा तत्पर बन्या छे। गुजराते आर्थिक प्रगतिना नवा सीमाचिह्नो प्रस्थापित कर्या छे। गुजरातनो विकास मंत्र स्वीकारीने समग्र राष्ट्रना विकासमां पोतानुं योगदान आप्युं छे। गुजरातनी आ विकास दौड़नी विश्व आखाए नोंध लीधी छे। विवेक मंत्र। हम विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहते। नॉलेज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दुनिया में चल रहे नए मैनेजमेंट की दुनिया, ग्लोबल इकोनॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हमारे गुजरात की नई पीढ़ी इन चीजों से परिचित नहीं होगी तो इस बदलती हुई दुनिया को वो कॉप अप नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, ये समिट ये पूंजीपतियों के लिए समिट नहीं है। ये पूंजीपतियों को समाज का जिम्मा उठाने के लिए प्रेरित करने वाली, प्रोत्साहित करने वाली समिति। आज पूरे देश में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसकी सक्सेस के विषय में कोई सवाल नहीं उठाता है। आज जो चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने भी और भारत सरकार ने भी ये गुजरात जो कर रहा है ऐसा ही करना चाहिए।